फिनिश। दोस्तों एक तरफ देश में नए संसद भवन के उद्घाटन का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश की बेटियों को घसीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। दिल्ली पुलिस अपराधियों की तरह हमारी पहलवान बेटियों के साथ बर्बरता कर रही है। दोस्तों ये है देश का अमृतकाल, जहां इंसाफ की मांग करने पर पीटा जाता है, घसीटा जाता है और अपराधी को हाथ तक नहीं लगाया जाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों देश की बेटियां पिछले एक महीने से मोदी सरकार से न्याय की मांग कर रही है। पिछले एक महीने से देश का गौरव, देश की बेटियां सड़कों पर सो रही है। दोस्तों पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से ये महिला पहलवान अपनी आवाज उठा रही है, लेकिन आज उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। जी हां, संसद की नई बिल्डिंग के सामने दिल्ली पुलिस और धरना दे रहे पहलवानों के बीच झड़प हो गई। पहलवान बैरिगेट लांघकर नई संसद की तरफ जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोका और बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, संगीता फोगाट, साक्षी मलिक सहित अन्य को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने धरना स्थल पर जंतर मंतर पर लगे सभी टेंट और कुर्सी तक हटा दिए। जो प्रदर्शन स्थल था वो पूरा पूरा खाली हो चुका, जिसके बाद दिल्ली पुलिस मौका देखकर उनके सारे टेंट को रिमूव कर दिए, हटा दी गई। अब नजारा साफ में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गाड़ी, पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, पुलिस के लोग खड़े हैं, जितने भी कर्मचारी, एक एक कर सारे सामान उनको वहां से हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर से दोबारा वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। जहाँ तक दोस्तों इस अमृतकाल में शांतिपूर्ण मार्च निकालना भी अब गुनाह हो गया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे ये पहलवान नए संसद भवन पर शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को रोकने के लिए ऐसी बैरिगेटिंग की कि मानो जैसे वो कोई अपराध करने जा रहे हों। फिर दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक सहित सभी पहलवानों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, संगीता फोगाट और विनेश फोगाट दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोड पर लेटी हुई नजर आ रही हैं। ये वाकया उस समय का है जब दिल्ली पुलिस इन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार कर बस में चढ़ा रही थी। इस दौरान इनके हाथ में जो तिरंगा झंडा था वो भी सड़क पर गिरा हुआ है, लेकिन तिरंगे का सम्मान करने वाली हमारी दिल्ली पुलिस को ये नजर नहीं आ रहा। दोस्तों इन बेटियों ने विदेशी सरजमी पर तिरंगा ऊंचा किया था, लेकिन आज इन बेटियों के साथ साथ देश के तिरंगे का भी अपमान हो रहा है। दोस्तों आज जब नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने कर कमलों से कर रहे थे, तब देश की बेटियां उनसे कुछ सवाल पूछ रही थी। देखिए विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन खुद पर हुई आप बीती पर क्या कहा। जितने भी हमारे खाप पंचायत के बड़े बुजुर्ग हैं सबको पुलिस ने डिटेन कर लिया है, जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको डिटेन कर लिया गया है, कल रात से उनको डिटेन किया जा रहा है और हमें यहाँ भी, हमें भी कैद कर लिया है, बिल्कुल जैसे जेल में हमें डाला हुआ है। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आज नई संसद का उद्घाटन चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश की बेटियाँ इंसाफ के लिए रोड पर बैठी हुई हैं, उनको इंसाफ मिलने की बजाय उन्हीं को ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा है कि वही दोषी हैं और उन्होंने ही गुनाह किया है। बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और देश याद रखेगा इस बात को, जब नई संसद का निर्माण हो रहा था, संविधानिक निर्माण करने की बात चल रही थी नए संविधान की, उस टाइम देश की लड़कियों की जो न्याय की लड़ाई थी उसको दबाने की पुरजोर कोशिश की गई थी और संविधान की हत्या की गई थी। जितने भी हमारे बड़े खाप पंचायत, किसान नेता, महिला संगठन, सबके जो बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। जहां एक तरफ तो नए संसद का उद्घाटन देके मैसेज दिया जा रहा है और दूसरी तरफ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दोस्तों बड़ी ही हैरानी की बात है कि अब तक बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 2 FIR पोक्सो लगने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई भी सवाल जवाब बृजभूषण शरण सिंह से नहीं किया, उल्टा न्याय मांग रही बेटियों को यूं सड़कों पर घसीटा जा रहा है। ये है हमारे देश का कानून, ये है अमृतकाल। दोस्तों पहलवानों के साथ बर्बरता पूर्वक हुए इस व्यवहार को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।